सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होने की उम्मीद है। लगातार होते हंगामे के चलते इस बिल पर अब तक चर्चा भी शुरू नहीं हो पाई है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आज ही फूड सिक्योरिटी बिल पास हो जाए। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर संसद में रहने के लिए कहा है। फूड सिक्योरिटी बिल को पास करने के लिए कमर कस चुकी कांग्रेस ने सांसदों से कहा है कि पूरे हफ्ते संसद में हर हाल में मौजूद रहे। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर लगी पाबंदी और संतों की गिरफ्तारी को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा इतना हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा थोड़ी देर के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में शून्यकाल स्थगित करने का नोटिस दिया था और 84 कोसी यात्रा पर चर्चा कराने की मांग की थी, लेकिन उनके नोटिस को नामंजूर कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी बीजेपी सांसद तरुण विजय ने शून्यकाल स्थगित करने का नोटिस दिया था। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव आज संसद में 84 कोसी परिक्रमा पर बयान दे सकते हैं। 84 कोसी यात्रा पर रोक लगाने के बाद पूरे प्रदेश में वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ता सरकार का विरोध कर रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा के लिए निकले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और संतों की गिरफ्तारी के बाद से समाजवादी पार्टी निशाने पर है। दिल्ली में हिंदू परिवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और यहां लगे होर्डिंग्स और पोस्टर फाड़ डाले। समाजवादी पार्टी से खफा हिंदू जागरण मंच ने देहरादून में मोर्चा खोला। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को रोके जाने के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराते हुए इन लोगों ने उनका पुतला फूंका और नारेबाजी भी की। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर लगी पाबंदी और संतों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन है। दिल्ली के जंतर मंतर में बीएचपी और बजरंग दल का धरने का कार्यक्रम है तो दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन होना है। उधर रविवार को गिरफ्तार किए गए विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल को नाव से वापस लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। सिंघल की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला किया गया। गिरफ्तारी के बाद अशोक सिंघल ने कहा कि यूपी सरकार चाहे कितने भी पहरे बिठा दे 84 कोसी परिक्रमा नहीं रुकेगी। उन्होंने यूपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। परंपराएं सरकार बनाती है, धार्मिक परंपराएं हमारे धर्म गुरु बनाते हैं। हमें सुरक्षा का प्रदान करने के स्थान पर हमें प्रतिबंधित कर रहे, मतलब क्या है उनका? हमसे लड़ाई चाहते हैं क्या वो? और राम भक्तों से लड़ाई लड़ सकेंगे कभी वो? परिक्रमा यात्रा को समाजवादी पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बीच फिक्सिंग बताए जाने के कांग्रेस के बयान पर अशोक सिंघल ने जोरदार पलटवार किया। गाय की बिक्री होती है, नहीं हमारे संरक्षकों में पकड़े जा रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग है सर? क्या मुख्यमंत्री ने परमिशन भी नहीं दी? ये क्या मैच फिक्सिंग है? क्या हमारे बड़े बड़े संत पकड़े जा रहे हैं? दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि कहीं अयोध्या मैच फिक्स तो नहीं था। इस ट्वीट में उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के साथ साथ एसपी पर निशाना साधा है। उधर अयोध्या में गिरफ्तार किए गए बीएसपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण तोगड़िया को एटवा के अलीगंज में एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। रविवार को गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहले फैजाबाद जेल ले जाया गया था। परिक्रमा यात्रा शुरू होने से पहले ही गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया है। शनिवार से बीएचपी कार्यकर्ताओं की शुरू हुई गिरफ्तारी रविवार को दिन भर चली। आईजी ने बताया कि पूरे प्रदेश में कुल 1,696 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। वहीं फैजाबाद के डीएम ने बताया कि अयोध्या को मिलाकर पूरे जिले में कुल 625 गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें गिरफ्तारी करनी पड़ी। नाबालिग से रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें जोधपुर पुलिस के सामने हाजिर होकर जवाब देना होगा। इसके लिए उन्हें 4 दिन यानी कि 30 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। इस बाबत नोटिस लेकर जोधपुर पुलिस अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। उधर आसाराम बापू ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। इंदौर पहुंचे आसाराम ने कहा कि आरोप लगाने वाली लड़की तो उनकी पोती के समान है। उसकी बेटी तो बाद में मेरे पैर मेरी पोती और मेरी बेटी, और उसकी माँ मेरी शिष्य तो मेरी पोती भी, और उसका बाप मेरा बाप मेरा शिष्य तो मेरी पोती भी। नाबालिग से रेप मामले में आज भी जोधपुर पुलिस आसाराम बापू के छिंदवाड़ा आश्रम में पूछताछ करने वाली है। रविवार को भी पुलिस ने यहां कई लोगों से पूछताछ की थी। आश्रम के गर्ल्स हॉस्टल वार्डन स्टाफ छात्राओं और टीचर्स के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी आसाराम बापू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने उनके खिलाफ मार्च किया, पुतला फूंका। इन लोगों ने मांग की कि रेप के आरोपी आसाराम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देश भर में आसाराम बापू का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। गोरखपुर में पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ता बापू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और आसाराम बापू का पुतला जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। पहले से ही रेप के आरोपों में घिरे आसाराम बापू की मुश्किल उनकी प्रवक्ता ने और बढ़ा दी है। भोपाल में भगवान बुद्ध के समर्थकों ने नीलम दुबे का पुतला फूंककर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। नीलम पर गौतम बुद्ध के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप है। पंजाब के बठिंडा में सिख समुदाय के लोगों ने आसाराम बापू की प्रवक्ता नीलम दुबे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीलम दुबे पर उनके धर्मगुरु के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया। मुंबई गैंगरेप पीड़ित फोटो जर्नलिस्ट की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ है। जसलोक अस्पताल ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर पत्रकार की सेहत सुधरने की जानकारी दी है। अस्पताल के मुताबिक अब वो बिल्कुल ठीक है और खुद से खाना खा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप का केस पासपोर्ट कोर्ट में चलेगा। उन्होंने बताया कि इस केस में उज्ज्वल निकम सरकारी वकील होंगे। 26/11 मुंबई हमले केस में निकम ही सरकारी वकील थे। मुंबई में फोटो पत्रकार से हुए गैंगरेप के खिलाफ विरोध जताने जॉगर्स पार्क में बॉलीवुड कलाकार जमा हुए। हाथों में पोस्टर लेकर इन लोगों ने मार्च निकाला और रेप के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। मुंबई गैंगरेप के खिलाफ मार्च में अभिनेत्री सोनम कपूर समेत फिल्म और टीवी के कई कलाकार शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में शरीक हुई मॉडल्स ने भी मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया और सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई में फोटो पत्रकार से गैंगरेप मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पांचवें आरोपी सलीम को रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। वारदात के बाद सलीम मुंबई से भागकर दिल्ली आ गया था। उसे गिरफ्तार कर पुलिस मुंबई ले गई। मुंबई में फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप के तीसरे और चौथे आरोपी को 30 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इससे पहले गिरफ्तार दो और आरोपियों को शनिवार को ही पुलिस रिमांड में भेज दिया गया था। गैंगरेप के आरोपियों में से एक आसिम की मां का दावा है कि उसका बेटा बेगुनाह है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित पत्रकार उसके बेटे को गुनहगार के तौर पर पहचान कर लेती है तो हर सजा कबूल है। देखो लड़का बोलेगा, लड़का कबूल करेगा या मार के डरवा के बोलेंगे कि हाँ तुम बोलो, बोलेंगे कि तुम बोलो कि हाँ बोल, तो बच्चा डर से बोल सकता है। मुंबई गैंगरेप केस में सबसे पहले चार्ल्स शेख को मुंबई में धोबी घाट से गिरफ्तार किया गया, फिर मदनपुरा से विजय यादव की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद सिराज रहमान को गोवंडी इलाके से पकड़ा गया। चौथा आरोपी कासिम बंगाली नायर अस्पताल के पास से गिरफ्तार हुआ। वहीं पांचवें आरोपी सलीम को दिल्ली से पकड़ा गया। मुंबई गैंगरेप पर सियासत जारी है। राज ठाकरे के कहने पर एमएनएस की महिला ब्रिगेड ने महाराष्ट्र गृह मंत्री आर आर पाटिल को चूड़ियां भेजने की मुहिम शुरू कर दी है। इनका कहना है कि पाटिल राज्य में अपराध में लगाम लगाने में नाकाम रहे। मुंबई गैंगरेप के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का एक वेदू का बयान सामने आया है। उन्होंने लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर बाहर न जाने की हिदायत दे डाली। अमृतसर में क्रिकेटर और बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के गुमशुदगी वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि आह सांसद सिद्धू, तुम न जाने किस जहां में खो गए। ये पोस्टर अमृतसर संघर्ष समिति की ओर से लगाए गए हैं।